अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके सुल्तान राय एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज की वीडियो ज़ीरो किल चैलेंज पे होने वाली है। ज़ीरो किल चैलेंज हम आर्केड मोड में करेंगे क्योंकि अरेंगल में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरी आईडी का लेवल इस कदर हाई है कि ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि हमारी लॉबी में सारे नूब प्लेयर्स आएँगे। इसलिए मैंने आर्केड मोड चूज़ किया और सोलो लगा के हम ज़ीरो किल चैलेंज करेंगे। नोवा और मिलिट्री के दरमियान हम इस पहाड़ी पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद हम गन वगैरह उठाते हैं, एक गन हमारे पास होम होती है और दूसरी हम कार 98, लेकिन वो हम उठाने की याद तक ही उठा सकते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते। अगर मारेंगे तो हमारा ज़ीरो किल चैलेंज कंसिडर्ड नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाते हुए ये अपनी कुछ चीज़ें उठा लेता हूँ, एक हेलमेट पहनता हूँ और बाकी मैं कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं उठाता, जिसके बाद ना मेरे पास कोई किट वगैरह होती है और हमारा ज़ीरो चिल के किल चैलेंज अल्लाह के शुक्र से पूरा हो जाता है। क्योंकि वो भाई साहब या तो कोई बोट होते हैं या कोई ऐसे न्यू प्लेयर होते हैं, वो जोन के दरमियान मर जाते हैं। इसके साथ ही हमें चिकन मिल जाता है। और इधर हम ये एक भाई साहब थे, इधर ये इन्होंने कोई भंग पी हुई थी या सस्ता नशा किया हुआ था, ये देखने के कारण इन्हें मारा नहीं और मैं इधर छुप जाता हूँ। और ये भाई साहब एक दफ़ा फिर बाहर से आएंगे अंदर, लेकिन मैं इधर छुपा रहूँगा अपने फुटप्रिंट्स देने से गुरेज करूँगा। तो आप इस तरह वीडियो देखें तो आगे देखें, आगे मैं आपको और भी रिकॉर्डेड जहाँ पे मैं बहुत ही बचता हूँ वो सारे सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। और ये देखें, ये नूब लेवल 360 भागते हुए छत पे जा रहे हैं और आगे ये वीडियो मुलाजा करी। ओ नूब। इसके बाद आगे हम थोड़ा स्टे करने के बाद इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे और सुकून माहौल और मिठे चौल में लेट जाएंगे। साथ ही आप वीडियो देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं कि मैंने कैसे ये ज़ीरो किल चैलेंज कंप्लीट किया। आप भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है ज़ीरो किल चैलेंज करने में कि कैसे बचना है और क्या करना है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जाम दरख्त की छांव तले लेटे थे कि अचानक से हमारे बगल में गोली चलती है और गोली भी AWM की चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोई अलोन वारियर थे, इन्होंने हमारे बगल में गोली चलाई और बंदे को मार डाला। ये हम भी मार सकते थे लेकिन ये भाई साहब ऊपर थे और हम नीचे थे, अल्लाह ने हमें बचा लिया। और आगे वीडियो देखते जाएँ और एंजॉय करते हैं।
हम सुकून से लेटे थे, मुलाहिज़ा कर रहे थे कि जोन की क्या टाइमिंग चल रही है और कितने बंदे रह चुके हैं। लेकिन अचानक से हमारे करीब कोई बंदा आ जाता है और फुटस्टेप की सुनाई देता है, जो कि हमारे लिए ख़तरे की घंटी थी। इसलिए हम इधर से बच निकले। और एक और दफ़ा ये भाई साहब इधर से गुजरते हैं और मैं अगर लेटा हूँ तो लेते हैं। इन्होंने सस्ते नशे किए होते हैं, इनको मैं नज़र नहीं आ पाता और ये पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। एक बंदे के कत्ल यहाँ से नीचे उतर जाते हैं और हम इधर फिर ऊपर पहाड़ से आवाम को मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं कि कौन किसे मार रहा है। आप आगे देखेंगे तो एक दूर से मुझे एक बंदा नज़र आता है। मैं उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर सकता था, लेकिन देख तो ज़रूर सकता था। बट आई डोंट हैव एनी स्कोप, बट स्टिल ही इज़ विजिबल टू मी। ये देखें, ये बिल्कुल मैं उसको देख रहा हूँ और एनिमी स्पॉट हो चुका होता है, बट आई डोंट शूट हिम। सो कैरी ऑन वॉचिंग वीडियो। यहाँ से जैसे ही मैं जोन की जानब बढ़ता हूँ, क्योंकि सेकंड लास्ट जोन चल रहा होता है और ये आगे भाई साहब जा रहे होते हैं, लेकिन ना ही मैं शूट कर सकता हूँ और ना ही उनके करीब जा सकता हूँ। इसलिए मैं भीगी बिल्ली बन के उनके पीछे पीछे जा रहा होता हूँ।
और यहाँ से बाहर निकलने के बाद लुक एट दिस ड्यूड, ये दोनों आपस में लड़े होते हैं, एक बंदा नीचे होता है और एक ये भाई साहब होते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा स्टे करने के बाद, क्योंकि लास्ट जोन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ से दौड़ लगाता हूँ। अब भाग बेका भाग, और यहाँ से भागने के बाद मेरी जीत हो जाती है।